दोस्तों ये है मेरा अपस्टॉक्स। जब आप अपस्टॉक्स अपना खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा माय लिस्ट के अंदर। यहीं से आपको स्टॉक्स खरीदने होते हैं, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ तो कोई स्टॉक नहीं है। तो देखिए, पर्टिकुलरली हर एक स्टॉक का आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। वो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप टच कीजिए और अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ टाटा मोटर्स, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। आपको सेलेक्ट करना है टाटा मोटर्स एनएससी या बीएससी, कौन सा आप लेना चाहते हैं, किसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैं एनएससी चूज करता हूँ, ये प्लस का जो बटन है इस पर मैं टच कर दूंगा। फिर व्यू लिस्ट का बटन जैसे मैं दबाता हूँ, ये देखिए मेरे इसमें आ चुका है टाटा मोटर्स। इसी तरह मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वोडाफोन, तो ये वोडाफोन आइडिया के यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए जैसे एनएससी है तो मैं यहाँ पर प्लस दबाऊंगा, ये ऐड हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं क्लोज करूँ, ये देखिए आइडिया भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरह मैंने और भी वॉच लिस्ट बना रखी है, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग, जैसे इंडाइसेस की मैंने एक बना रखी थी, एक मैंने यहाँ पर ऐसे नाम दे रखा था, फेवरेट्स की बना रखी थी। इसी तरह आप और भी लिस्ट ऐसी ऐड कर सकते हैं। जनरली लोग 5 से 6 वॉच लिस्ट जो ऐड करके रखते हैं उनको देखते रहते हैं, तो अगर वॉच लिस्ट आप ऐड करना चाहते हो अलग अलग स्टॉक्स की, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक प्लस का बटन है, ये दबा करके आप एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमारी 3 बनी हुई है उसी की तरह, तो मैंने अभी जो 2 नए स्टॉक्स ऐड किए वो यहाँ पर हैं। अभी खरीदे नहीं गए हैं, सिर्फ आपकी वॉच लिस्ट में है, आप इनकी डिटेल्स डेली देख सकते हो। जैसे हमें कुछ खरीदना है, जैसे मान के चलिए आइडिया खरीदना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका डिटेल आ जाता है। सबसे पहले आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देती है कि भाई क्या क्वांटिटी चल रही है, बिड कितने का है, आस्क कितने का चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये इन्फॉर्मेशन होती है। नीचे देखिए टोटल बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी कितनी चल रही है। नीचे की तरफ जाएंगे, आज का मार्केट कैसा है भाई, ओपन कहाँ पर हुआ था, प्रीवियस क्लोज कहाँ पर हुआ था, मतलब आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज 16.73 पर था, अभी 16.99 पर ओपन हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इजाफा है। फिर वॉल्यूम कितना रहा था, इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो अप में ट्रेंड चल रहा है, अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो भी आपको मुनाफा होने के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर इसका आप चार्ट देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर चार्ट का बटन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कीजिए और इसका जो है आपके सामने एक चार्ट आ जाता है। तो ये चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है परफॉर्म कैसा कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। पर एक चीज है कि ये 5 मिनट की कैंडल है, एक कैंडल, तो ये पिछले आधा घंटे का ही ब्यौरा दे पा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूं और यहां पर मैं एक दिन का लगाऊं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूं, तो मैं एक दिन कम से कम देखना चाहूंगा, तब मैं देखता हूं कि एक दिन के हिसाब से ये भले ही आज गिर रहा है लेकिन लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या 1 महीने 2 महीने के लिए लेना चाहता हूं तो मैं यहां पर प्रॉफिट निकाल सकूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहां पर चेक कर लिया। नीचे की तरफ आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं कि भाई 5 दिन का पूरा जो बक्सा है 5 दिन का बन जाए या 1 महीने का बन जाए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उस हिसाब से ये भी कैंडल भी एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद जब खरीदने की बात आती है तो आप नीचे बाय का बटन देख सकते हैं, इस बाय के बटन पर आपको क्लिक करना है। बाय का बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन खुलती है, जिसमें आपको बताया जाता है आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले देखिए रेगुलर GTT MTF लिखा हुआ है। GTT MTF क्या है अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना। फिलहाल मैं रेगुलर ऑर्डर आपको सिर्फ बाय करके दिखाता हूं कैसे बाय करा जाता है। अब सबसे पहले आता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैं यहां पर डालूंगा। जैसे मैंने यहां पर 2 क्वांटिटी डाल दी, उसके हिसाब से 16.68 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से मेरी यहाँ पर मुझे दिखाएगा रिक्वायर्ड कितना बैलेंस, रिक्वायर्ड कितना लग रहा है। अवेलेबल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, प्राइस जो है आपको कौन सा रखना है। अब देखिए 2 प्रकार से आप खरीद सकते हैं। पहला, आप मार्केट प्राइस पर खरीद लीजिए, मतलब अभी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर मैं खरीद लूंगा। आप गए मार्केट में, सामने वाले ने एक प्राइस बोला, आपने उतने रुपये दिए और आपने ले लिया। दूसरा तरीका है कि आप दुकान पर जाएंगे और थोड़ा सा नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं मार्केट पे नहीं खरीदूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब देखिए 16.71 रुपये पे दे रहा था, आपने बोला जब ये 16 रुपये पर आ जाएगा तब मुझे देना, तो ये लिमिट ऑर्डर कहलाता है। देखिए मार्केट से लिमिट पे स्विच हो गया, अभी ये पहले ऐसे था, ये यहाँ पर क्लिक करते ही लिमिट पे स्विच हो गया। अब मैंने बोला कि 16 रुपये जब आ जाएगा तब मुझे दे देना, तो लिमिट ऑर्डर है, मतलब आज सुबह से लेकर के आज के शाम तक 3:30 बजे तक ये ऑर्डर मेरा वैलिड रहने वाला है। 3:30 बजे तक जो है ये ब्रोकर जो है देखता रहेगा कि क्या 16 रुपये पर ये प्राइस आया आइडिया का। अगर आया तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो आपका ऑर्डर शाम को कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर ही लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे अभी एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर, तो मैं यहाँ पर मार्केट में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपको ये चूज करना है कि आप किस चीज़ में ले रहे हैं, आप डिलीवरी ले रहे हैं इंट्राडे। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, तो भाई डिलीवरी का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज ले रहे हैं, मतलब आप खरीदेंगे और फिर उसको होल्ड करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या महीने भर या साल भर या 5 साल रखेंगे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप कम पैसे देंगे। देखिए 2 के लिए सिर्फ 11.12 रुपये लग रहे हैं, ये होता है 5x मार्जिन आपको मिल गया है यहाँ पर, तो आपको 20% पैसे ही देने हैं। लेकिन ये सिर्फ शाम तक के लिए ऑर्डर वैलिड होगा, आपको अभी मिल तो जाएगा पर शाम तक अगर आपने नहीं बेचा तो 3:30 बजे ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा और आपके ऊपर कुछ चार्जेस भी लग जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान से सेलेक्ट करना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो डिलीवरी पर ही रहना चाहिए। इतना रहने के बाद आप यहाँ पर एड वैलिडिटी एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको सिर्फ रिव्यू और ऑर्डर करना है।
और देखिए आप देखेंगे यहाँ पर दो आप खरीद रहे हैं, इतने रुपए लगने वाले हैं। एस्टिमेटेड चार्जेस आपको यहीं पर डायरेक्टली दिखाई दिए जाते हैं कि भाई इतने रुपए तक लग सकते हैं, और इन्होंने साफ साफ लिखा भी है कि जो चार्जेस आपको बताए जा रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, वो ऑर्डर के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, आपको करना है सबमिट ऑर्डर। जैसे आप सबमिट ऑर्डर करते हैं दोस्तों, ये आपको एक बार बता देता है कि भाई देखो रिस्क है वगैरह वगैरह वगैरह, आपको सिर्फ ऑर्डर एनीवे करना है। और आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर सेक्शन में, देखिए यहाँ पर हम लोग थे, ऑर्डर सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है, मार्केट ऑर्डर पे आपने खरीदा था, यहाँ पर रेगुलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपके पोर्टफोलियो में भी नजर आएगी, यहाँ पर आप देखें अगर तो एक पोर्टफोलियो में भी नजर आ रहा है। अब ये फिलहाल आपके पोजीशन में रहेगा क्योंकि ये आज ही खरीदा गया है, ये एक दिन तक आपकी पोजीशन में रहेगा। जब आप इंट्राडे करते हैं तो वो सारी चीजें पोजीशन में रहती हैं, इसी तरह एक दिन के लिए पोजीशन में रहेगा। कल आपके होल्डिंग में यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई आपके पास ये रखा हुआ है, आप लंबे समय तक देख लीजिए। और आज का PNL कितना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना, वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखा रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा महंगा खरीदा है। अभी आप देख रहे थे कि वो रेड बार था, वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो उस हिसाब से आपको आपको दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमने लंबे समय तक खरीदा तो हम होप कर सकते हैं कि ऊपर जाए, भरोसा नहीं जाएगा या नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए वीडियो बना हुआ है, तो इस तरीके से आप ये खरीद सकते हैं। अब अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।